हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एश कॉन्सेप्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल्स और इनके यूज की। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश में तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और दी। ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं और दी जो है इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं ए और एन की। ए और एन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने उर्दू के लफ्ज एक को बयान करना होता है। जब हमने किसी भी नाउन के एक को बताना होता है तब हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अ बॉय, अ मैन, अ पेपर, अ टेबल, अ चेयर। जब हमने किसी भी नाउन को एक बताना हो तब हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। अब ए और एन के इस्तेमाल में थोड़ी सी जो है वो बाइफर्केशन है। वो क्या, एन का यूज जो है, जैसे कि अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो क्या करते हैं कि ए आई ओ यू ई, वो वर्ड्स जो वॉवल से शुरू हो रहे थे उनके साथ एन का इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। एन का इस्तेमाल जो है वो तब होगा जब कोई भी वर्ड जो है वो उर्दू के लफ्ज अलिफ या ऐन की आवाज दे, चाहे वो वॉवल से शुरू हो रहा हो, वॉवल अल्फाबेट से शुरू हो रहा हो, और अलिफ और ऐन की आवाज अगर ना दे तो उसके साथ एन का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, एन एग, एन और। अब यहां पर देखें, एन एग और एन और, ये अलिफ की आवाज आ रही है, एग और, यहां पर एन एस ओ, एन एम ए। अब एन, एन है तो एक कॉन्सोनेंट, लेकिन इसके साथ एन का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि जब हम एम पढ़ते हैं तो लफज अलिफ की आवाज पहले आती है, एम ए ऐसे लिखा जाता है, इसलिए एम ए के साथ एन एम ए होगा, एन एम बी बी एस होगा, एन एम एन ए, एन एम पी ए। जैसे कि एग्जाम्पल से क्लियर है कि कोई भी लफ्ज जो जब हम बोलेंगे तो वो अलिफ या ऐन की आवाज देगा तब एन का इस्तेमाल होगा, इसके अलावा कोई और साउंड देगा तो तब हमने ए का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं, यूनिवर्सिटी, यूजफुल। अब वर्ड देखने में तो एक वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर ये साउंड क्या दे रहा है? साउंड ये दे रहा है यू की, जिस तरह इंग्लिश में हम यू बोलते हैं, यूनिवर्सिटी, यूजफुल। तो इसके साथ ए इस्तेमाल होगा, इसके साथ हमेशा ए इस्तेमाल होगा, एन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ए और एन के यूज की बाइफर्केशन क्लियर होगी। अब देखते हैं कि ये कहां पर इस्तेमाल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे आपके, उनके साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। एयर, रेन, सनशाइन, इस तरह के जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनको आप गिन नहीं सकते, जिस तरह आप बारिश नहीं गिन सकते, आप हवा नहीं गिन सकते, आप सूरज की शुआएं नहीं गिन सकते, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे उनके साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं होगा। रूल नंबर टू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा, जैसे पीस, स्ट्रेस, जॉय, हैप्पीनेस, आप ए पीस नहीं कह सकते, आ स्ट्रेस, आई एम सफरिंग फ्रॉम आ स्ट्रेस,
आई एम सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। ए और एन का इस्तेमाल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं होगा। तीसरे नंबर पर देखते हैं नेम ऑफ ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स हैं उनके नामों के साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं होगा। आ शुगर नहीं होगा, आ राइस नहीं होगा, आ वीट नहीं होगा, आ बार्ले नहीं होगा। ये इस तरह ही लिखे जाएंगे, इनके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। चौथे नंबर पर देखें नेम ऑफ मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स हैं उनके साथ भी जो है वो ए और एन का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि हम ये नहीं कहते कि इट इज मेड ऑफ अ गोल्ड, इट इज मेड ऑफ अ गोल्ड, हम ये कभी भी नहीं कहते कि ये एक सोने की बनी हुई है। इट इज मेड ऑफ अ गोल्ड नहीं, इट इज मेड ऑफ गोल्ड होगा। ए आर्टिकल का इस्तेमाल जो है यहां पर नहीं होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं कि दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ए प्लास्टिक नहीं होगा। अच्छा, कहीं जगह पर आपने ऐसा जो है वो पढ़ा होगा अ गोल्ड रिंग, ये एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम, अ वीट ब्रेड। अब यहां पर तो हम एक मटेरियल नाउन के साथ भी एक का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ग्रेन के साथ भी मटेरियल नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो गोल्ड और वीट ये एज नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये एडजेक्टिव्स हैं। यहां पर इस एक्सप्रेशन में ये गोल्ड जो है ये एडजेक्टिव है, बताया जा रहा है कि एक रिंग है जो सोने की बनी हुई है। जैसे कि ही गेव हर अ गोल्ड रिंग, उसने उसको एक सोने की अंगूठी दी। आई परचेज्ड अ वीट ब्रेड, मैंने एक ब्रेड परचेज की है और वो किस चीज की बनी हुई है, वीट की। जैसे कि हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन पढ़ी थी पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो में, तो ये वीट और यहां पर ये गोल्ड ये क्वालिफाई कर रहे हैं एक नाउन को, ये एडजेक्टिव्स हैं। और ये ए जो है ये भी हमने नाउन के लिए यूज किया है, एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं किया हुआ। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, आगे देखते हैं। ए और एन का इस्तेमाल कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता। जैसे हम कभी नहीं कहेंगे ए अली, ए मूसा, ए असद, ए नईम, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, अलाहौर, कराची या पाकिस्तान, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ ए या एन का इस्तेमाल नहीं होता। एक एक्सेप्शनल केस में होता है जब हमने किसी एक नाउन को बतौर मिसाल पेश करना हो, जैसे कि एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, यहां पर एक प्रॉपर नाउन यूज कर रहे हैं लेकिन हम मिसाल दे रहे हैं, हम मिसाल के तौर पे पेश करें एक बड़े जानवर की, कि एक बड़ा जानवर कैसा होता है, जस्ट लाइक एन एलिफेंट। अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट, हम मिसाल के तौर पे पेश कर रहे हैं कि मक्खी जो है ये एक कीड़ा होती है। अ काउ हैज फोर लेग्स, अ हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, हम बात कर रहे हैं नोबेलिटी ऑफ एन एनिमल की, तो हमने घोड़े को एज एग्जाम्पल पेश किया है, तो इसके लिए हमने इसके साथ ए का इस्तेमाल किया है। उसके बाद देखते हैं एक्सक्लेमेशन, जब भी आप अपने किसी एक खुशी के जज्बे को जाहिर करेंगे तब आप ए का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि व्हाट अ लवली फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, व्हाट अ शॉट, और इट वॉज अ वंडरफुल ड्रीम। ए और एन का इस्तेमाल क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल यानी दी को। अब दी का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हमने किसी भी कॉमन नाउन को पर्टिकुलराइज करना होगा, उसको डिस्टिंग्विश करना होगा उसकी टोटल क्लास से, तब हम लफ्ज दी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहता हूं ए पेन, दैट मीन वो कोई भी पेन हो सकता है, ए कलम कोई भी हो सकता है, लेकिन जब मैं कहता हूं दी पेन, दैट मीन द पेन विच आई एम होल्डिंग, ये कलम जो इस वक्त मेरे हाथ में है, अब मैं इसको पर्टिकुलराइज कर रहा हूं, इसको डिस्टिंग्विश कर रहा हूं इसकी बाकी तमाम क्लास से।
इसी तरह हम लफ्ज इस्तेमाल करेंगे द पेन, द कार, द ट्रेन, द टेबल, मतलब वो तमाम कॉमन नाउन जिनको जब हमने पर्टिकुलाइज कर दिया कि ये चीज द टेबल ऑन विच आई सिट, वो टेबल, वो मेज जिसके ऊपर मैं बैठता हूं, अब वो तमाम बाकी तमाम मेजों से जो है वो डिस्टिंग्विश हो गया, वो सेपरेट हो गया। इसी तरह ही द कार विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी है, मैं उस कार को, सिर्फ उस कार को पॉइंट आउट कर रहा हूं, उस कार को पर्टिकुलाइज कर रहा हूं। इसके लिए हम लफ्ज दी का इस्तेमाल करेंगे। नंबर दो, दी का इस्तेमाल हम उस नाउन के साथ करेंगे जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, जिसका हमारे रीडर को, हमारे सुनने वाले को पता लग चुका है, वो डेफिनेट हो चुका है कि ये इस चीज के बारे में बात कर रहा है, इस नाउन के बारे में बात कर रहा है। जैसे कि इसकी एग्जाम्पल देखें, वंस देयर लिव्ड अ वुड कटर इन द विलेज, द वुड कटर वॉज वेरी ऑनेस्ट। आ वुड कटर और द वुड कटर, सबसे पहले फिक्रे के अंदर हमने बताया कि एक जो है वो लकड़हारा एक गांव में रहता है। अब सेकंड सेंटेंस में हमने दी वुड कटर यूज किया, अब ये डिफाइन कर रहा है कि यही वाला वो लकड़हारा, वो वुड कटर जो विलेज में रहता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अ मैन went to a forest. In the forest, कौन सा forest? जहां पर आदमी गया। There lived a lioness. The lioness. कौन सी lioness? हम lioness का पहले जिक्र कर चुके हैं, ए के साथ, एक शेरनी का जिक्र कर चुके हैं। Had three cubs. One of the cubs. कौन से cubs? जो कि उस lioness के हैं। हम पहले उनका भी जिक्र कर दिया हमने, द लाइनस हैड थ्री कब्स, अब इन्हीं कब्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। वन ऑफ द थ्री कब्स हैपन टू सी द मैन, द मैन कौन सा आदमी? ये वाला आदमी जो जंगल में गया था। अच्छा जी, उसके बाद दी का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमने एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करना हो। जस्ट लाइक द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहां पर हम टोटल कम्युनिटी जो है उसको वाजे कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसकी फेथफुलनेस बता रहे हैं, टोटल कम्युनिटी को हम बता रहे हैं। लाइक द कैट इज अ डोमेस्टिक पेट, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। जब हमने उस टोटल क्लास को रिप्रेजेंट करना हो तब भी हम दी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जितने भी दरियाओं के नाम होंगे उनके साथ दी का इस्तेमाल होगा, जैसे द रावी, द इंडस, द जेहलम। क्लियर हो गया। उसके बाद जितने भी माउंटेन रेंज हैं, पहाड़ी सिलसिले जितने भी हैं, उनके साथ दी का इस्तेमाल होगा, द हिमालयस, द एल्प्स, द एंडीज। जो सिंगल माउंटेन है, जो सिंगल माउंटेन का नाम होगा, उसके साथ लफ्ज दी का इस्तेमाल नहीं होगा, हम दी माउंट एवरेस्ट नहीं कहेंगे, माउंट एवरेस्ट कहेंगे, K2 कहेंगे, दी K2 कभी नहीं कहेंगे। उसके बाद नेम्स ऑफ गल्फ, बे, सी, ओशन एंड स्ट्रेट, जैसे द इंडियन ओशन, द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, इन तमाम के साथ लफ्ज दी का इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जितनी भी मजहबी किताबें, अखबार हैं, रसाले हैं, उनके साथ लफ्ज दी का इस्तेमाल होगा, जैसे द होली कुरान, द बाइबल, द डॉन, द नेशन, द न्यूयॉर्क टाइम्स। और वो तमाम लफ्ज जो किसी कौमियत को जाहिर कर रहे हैं उनके साथ भी हम दी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द मुस्लिम्स। जब हमने पूरी कौमियत को वाजे करना हो, दी हिंदूज। क्लियर हो गया। उसके बाद वो तमाम चीजें जो अपनी नौयत की इस दुनिया में एक ही पाई जाती हैं, उनके साथ हम दी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे द सन, द मून,
द अर्थ द स्काई। क्लियर हो गया। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, जब भी हमने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है उसके साथ लाजमी तौर पर दी का इस्तेमाल होगा। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, दी बेस्ट बॉय। शी इज द क्लेवरेस्ट गर्ल ऑफ ऑल, दिस इज द मोस्ट वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ आवर टाइम। जब भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा उसके साथ दी का इस्तेमाल लाजमन होगा। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके साथ लफ्ज दी लगेगा। दी पियानो, दी गिटार, दी वायलिन, दी फ्लूट। क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वो तमाम एडजेक्टिव जो एस एच, सी एच और ई एस ई पर खत्म हो, इन तीन वर्ड्स पर खत्म हो और एक कौमियत को जाहिर करें, उनके साथ हम दी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दी इंग्लिश, दी चाइनीज, दी फ्रेंच। ये हम टोटल जो है उस कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंग्रेजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि हम जुमला एक बोलते हैं कि अंग्रेजी अंग्रेजों की जुबान है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। कि अंग्रेजी अंग्रेजों की जुबान है। क्लियर हो गया। उसके बाद वो तमाम एडजेक्टिव जो एक पूरी क्लास को डिफाइन करें, एक पूरे तबके को, एक पूरी कम्युनिटी को जाहिर करें। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, द रिच, रिच एडजेक्टिव है। अब द रिच से मुराद तमाम अमीर, द पुअर तमाम गरीब। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, द वाइज नेवर लुक डाउन अपॉन द फॉलिश, द वाइज द फॉलिश। द इंग्लिश आर वेरी पेट्रियोटिक। ये हम टोटल क्लास डिफाइन कर रहे हैं उनकी, टोटल तबका, टोटल कम्युनिटी, तमाम कम्युनिटी अमीरों की, तमाम कम्युनिटी गरीबों की, तमाम कम्युनिटी बाशऊर लोगों की और तमाम कम्युनिटी बेवकूफ इंसानों की। उसके बाद प्रॉपर नाउन, दी आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा कॉमन नाउन के साथ होता है, कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता। लेकिन हम एक्सेप्शनल केसेस के अंदर क्या करते हैं, जब हमने एज एक्सप्रेशन यूज करना हो, जैसे कि हम कहते हैं कि मूसा तो हमारी क्लास का शेक्सपियर है जी, अली जो है ना वो जी हमारे कॉलेज का आइंस्टाइन है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मूसा इज द शेक्सपियर ऑफ आर क्लास, अली इज द आइंस्टाइन। अब शेक्सपियर और आइंस्टाइन ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन इनके साथ हमने डी का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हम एज एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, ही इज द नेस्टर ऑफ द सर्विस। क्लियर होगी बात। उसके बाद वो कंट्रीज, वो ममालिक जिनके नाम के साथ यूनियन या स्टेट आता हो उनके साथ दी का इस्तेमाल होगा, उसके अलावा किसी और कंट्री के साथ दी का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमिरेट, द यूएसएसआर। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, तो हमने देख लिया कि दी का इस्तेमाल कहां कहां पर होगा, अब देखते हैं कि दी का इस्तेमाल कहां पर नहीं होगा। सबसे पहले नेम्स ऑफ मटेरियल्स, किसी भी मटेरियल के नाम के साथ दी का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे गोल्ड इज प्रीशियस मेटल, दी का इस्तेमाल नहीं होगा। दिस कप इज मेड ऑफ सिल्वर, ऑफ सिल्वर। दिस स्टैचू इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। उसके बाद जितने भी टाइटल्स होंगे, जितने भी अलकाबात होंगे, उनके साथ लफज दी का इस्तेमाल नहीं होगा। क्वीन एलिजाबेथ, किंग एडवर्ड, सर सैयद, कायदे आजम, शहीद मिल्लत, इनमें से किसी के साथ दी का इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर हो गया। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे उनके साथ दी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, डेथ इज द ग्रेट लेवलर, विजडम कंसिस्ट इन फॉलोइंग द गोल्डन मीन्स। क्लियर होगी बात।
उसके बाद नेम्स ऑफ डिजीजेज, जितनी भी बीमारियां होंगी उनके साथ डी का इस्तेमाल नहीं होगा। ही डाइड ऑफ मलेरिया, ऑफ दी मलेरिया नहीं होगा। कोरोना इज फैटल डिजीज। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, तो जितनी भी जुबानें होंगी उनके साथ हम दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आई नो उर्दू, दी उर्दू नहीं। ही नोज फ्रेंच, ही इज लर्निंग इंग्लिश। और जितने भी कलर्स होंगे, दी पिंक नहीं होगा, दी ब्लू नहीं होगा, पिंक ब्लू येलो ग्रीन, किसी भी रंग के और किसी भी जुबान के साथ जो है दी का इस्तेमाल नहीं होगा। उसके बाद सोसाइटी और स्पेस, इन दो वर्ड्स के साथ भी दी का इस्तेमाल नहीं होगा। सोसाइटी टर्न्स पीपल इनटू क्रिमिनल, दी सोसाइटी कभी भी नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह मैन हैज स्टेप्ड इनटू स्पेस, इनटू दी स्पेस नहीं होगा। क्लियर होगी बात? उसके बाद जितनी भी गेम्स के, स्ट्रीट्स के और कंट्रीज के नाम है, कंट्रीज का नाम हमने पहले देख लिया, अभी जिस कंट्री के नाम के साथ यूनियन या स्टेट आएगा उसके साथ दी का इस्तेमाल होगा। उसके अलावा किसी और मुल्क के नाम के साथ दी का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे ही इज प्लेइंग हॉकी, दी हॉकी नहीं होगा। आई लिव इन सनी स्ट्रीट, दी सनी स्ट्रीट नहीं होगा। ही लिव्स इन लंदन, दी लंदन नहीं होगा। क्लियर होगी बात? उसके बाद एट लास्ट नेम्स ऑफ सिटीज, मंथ एंड डेज, शहरों के, महीनों के और दिनों के नाम के साथ दी का इस्तेमाल नहीं होता। एग्जाम्पल देखें, आई मेट असलम ऑन फ्राइडे, नॉट ऑन दी फ्राइडे। इन मुल्तान, इन दी मुल्तान नहीं, इन मुल्तान। एक और एग्जाम्पल देख लें, ही इज गोइंग टू लाहौर, टू दी लाहौर नहीं, टू लाहौर। क्लियर होगी बात? तो आज की वीडियो में हमने आर्टिकल के यूजेस को देखा, कहां पर इनका इस्तेमाल होना है और कहां पर इनका इस्तेमाल नहीं होना। होप के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।